Hello and welcome to our special campaign, Be the Better Guy, a road safety initiative by Hyundai Motor India in partnership with the India Today Group. Rash driving and all stems out of lack of awareness. The main theme around this campaign is to ensure that we change the behavior of the people, not only the ones who drive the car, but the ones who are also on the pedestrian side. The responsibility lies with all of us. Watch Be the Better Guy this weekend only on India Today Television. माँ भारती की गोद में सो गए सियाचिन के शेर, सियाचिन के वो शेर जिसे बुल के नाम से जाना गया, वो शेर जिनके कारण पाकिस्तान को भारत ने भगा भगा कर मारा, वो शेर जिनके कारण सियाचिन में भारत की पकड़ मजबूत रही, वो शेर कर्नल नरेंद्र कुमार उर्फ बुल का निधन हो गया। वो 87 साल के थे। भारतीय सेना के पूर्व कर्नल नरेंद्र कुमार ने ही 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने से पहले सियाचिन में कई अभियान चलाए थे और उन्हीं की बदौलत भारत सियाचिन पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा था। ऑपरेशन मेघदूत जो हिंदुस्तान की फौज ने 1984 में शुरू किया था पाकिस्तान से सियाचिन के कब्जा करने के लिए, उसमें कर्नल नरेंद्र कुमार की भूमिका जबरदस्त थी। उन्होंने सियाचिन में एक्सपेडिशन लॉन्च की थी, उनके डिटेल नक्शे थे, मैप्स प्लान्स थी, वीडियोस थे, फोटोग्राफ्स थी, जिसकी मदद से उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत को गो हेड दिया और इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत ज़बरदस्त मदद आई। जनरल राघवन जो उसके कमांडर थे ऑपरेशन मेघदूत के, उन्होंने कहा कि इनकी भूमिका इतनी ज़बरदस्त थी कि वो वास्तव में एक किस्म से माउंटेन ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, और अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती तो शायद हम उतनी आसानी से पाकिस्तान को नहीं पछाड़ सकते थे और पाकिस्तान के रेपुटेटिव जो हमले हुए उनको नाकाम नहीं कर सकते थे। अफसरों का कहना है कि यदि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट के रूप में सियाचिन ग्लेशियर और स्लाटोरो रेंज में उनका अभियान नहीं होता तो पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमा लेता। कर्नल नरेंद्र कुमार हिंदुस्तान की फौज के पहले अफसर रहे जो कर्नल रैंक में उन्होंने परम विशिष्ट सेवा मेडल हासिल किया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ये जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक ये पहले कर्नल हैं जिनको PVSM मिला। ये PVSM आमतौर पर जनरल्स और इक्विलेंट्स को मिलता है तीनों सर्विसेज में। इसके अलावा उनको अनेकों मेडल्स मिले हिंदुस्तान के माध्यम से, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से और ऑल देशों के माध्यम से। उन्होंने एल्प्स की हाईएस्ट पीक को चढ़ाई थी, भूटान की हाईएस्ट पीक को कॉन्कर किया, कंचनजंगा में गए और हिंदुस्तान में तकरीबन सारी गढ़वाल हिल्स में सारी पहाड़ियों में गए और सबसे पहली अटेम्प्ट में 1964 में वो 28,700 मीटर तक चले गए। 20,000 फुट के ऊपर की जो ऊंचाई होती है, मीटर्स की ऊंचाई होती है, उसको डेथ जोन कहा जाता है। वो उस डेथ जोन में कम से कम 20,000 गए और जितने भी हिमालयन के पासेज हैं, 7 रिजेस हैं, इन 7 रिजेस को उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली कॉन्कर किया। जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट थे तो उनका बॉक्सिंग में मुकाबला हुआ जनरल रॉड्रिक्स के साथ, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उन्हें इतनी बढ़िया लड़ाई थी कि उनको IMA में बुल का नाम दिया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की पकड़ बनाए रखने में कर्नल नरेंद्र कुमार की बड़ी भूमिका रही और उनकी रिपोर्ट की वजह से भारतीय सेना को इस ग्लेशियर पर कब्जा बनाए रखने में मदद मिली। अनाधिकृत क्षेत्र की उनकी रिपोर्ट के बाद भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और स्लाटोरो रेंज के साथ मुख्य दर्रे और चोटियों पर कब्जा कर लिया। उनकी ही टीम ने जमीनी स्तर की अहम जानकारियां दी जिसके बदौलत सेना को ऑपरेशन को अंजाम देने में, मैप तैयार करने में